हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स। वी हैव फाइनली रीच्ड 500 सब्सक्राइबर्स। कीप सपोर्टिंग मी सो दैट आई क्विकली रीच 1000 एंड enjoy the painting. So let's start the tutorial. तो चलिए tutorial start करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक line draw कर लेंगे center से थोड़ा नीचे, ठीक है। So first of all we are going to draw a line just below the center point, okay? And see, I have already covered the line with orange. So actually this will be something of a mirror image, like the reflection will be on the water, okay? So whatever you draw on the top of the line, you have to draw almost the same thing at the bottom, okay? So देखिए, इस drawing का main चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ reflections होंगे, ठीक है? Drawing में reflections रहेंगे। तो आप जो चीज़ ऊपर बनाओगे, line के ऊपर बनाओगे, वही चीज़ आपको नीचे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? वरना क्या होगा कि मैचिंग नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो ठीक है तो मैच नहीं होगा। इसलिए जो आप ऊपर बनाओगे वही चीज़ आपको नीचे भी बनाना है। और आपको या इस पेंटिंग में थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का कलर चाहिए जब आप स्क्रैचिंग कर रहे हो। सो इन दिस पेंटिंग देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग नेसेसरी, ओके? लाइक वेयर डू यू वॉन्ट द colors to be and what color you want to see when you scratch the dark color, okay? Like I've used a light blue, flesh tint, orange and yellow. So why have I used these colors? So when I scratch the top layer of black or and dark blue, I'll get these light colors underneath, and these will form as the lights of the buildings and decorations of the building. It will also work as the base for the fireworks as well, okay? तो देखिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे light colors, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मैं इस type से क्यों दे रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने planning किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मुझे building चाहिए। तो स्क्रैच करने के बाद जब मैं ऊपर का जब ब्लैक और डार्क ब्लू या फिर प्रूशियन ब्लू का जो कॉम्बिनेशन मैं दूंगा, उसको जब मैं स्क्रैच करूंगा ना, तो स्क्रैच करने के बाद नीचे मुझे यही सब कलर्स दिखेंगे, ये लाइट ब्लू, फ्लैश टिंट, यही सब कलर्स दिखेंगे। और यही क्या होगा कि बिल्डिंग्स का जो लाइट का जो पोर्शन है वो दर्शाएगा, फायरवर्क्स जो है फायरवर्क्स दर्शाएगा, डेकोरेशंस दर्शाएगा, ठीक है? तो ये आपको प्लानिंग कर लेना है कि आपको कहाँ कहाँ पे आपका कलर और कौन कौन सा कलर आपको चाहिए। सो यू हैव टू मेक द प्लानिंग, लाइक वेयर डू यू वॉन्ट द कलर्स टू बी, ओके? एंड नाउ दैट वंस यू आर डन, ओके, सी आई एम अप्लाइंग अ बेस ऑफ वाइट ऑल्सो। वाई? बिकॉज देर आर सम पोर्शन वेयर आई वुड लाइक द लाइट्स टू बी ऑफ वाइट कलर। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक वाइट का भी लेयर दे रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो क्योंकि मुझे चाहिए कि कुछ कुछ जगह पे जब मैं स्क्रैच करूँ तो उसका नीचे का जो लाइट्स जो है वो मेरे को वाइट में दिखे, ठीक है? तो देखिए, ये तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर देखिए मैं एक ब्लैक का लेयर दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ब्लैक आपको चाहिए तो हीट करके आप अप्लाई कीजिए और भी गाढ़ा लेयर बनेगा। सो नाउ आई एल बी कवरिंग द एंटायर थिंग विद ब्लैक एंड ब्लू, ओके? एंड इफ यू वांट यू कैन अप्लाई डार्कर शेड ऑफ ब्लू ब्लैक एज वेल यूजिंग द हीटिंग टेक्निक लाइक आई एम डूइंग नाउ। बट बिफोर फिलिंग अप द एंटायर स्पेस, मेक श्योर यू मार्क द एरियाज वेयर द कलर्स आर, ओके? See, I'm applying the blue. Okay, and now see, I'll mark the areas. See, I'm marking the areas.
देखिए मैंने यहाँ पे अभी एरिया जो है ऊपर मार्क कर लिया, तो मैंने क्या मार्क किया कि कहाँ कहाँ पे मेरा कलर क्या क्या है। कलर आपने क्या क्या यूज़ किया वो तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो द कलर दैट यू हैव यूज्ड। बट वंस यू हैव अप्लाइड द ब्लैक एंड द ब्लू, यू वोंट हैव मच क्लियर आइडिया लाइक वेयर यू पुट द कलर्स, राइट? दैट्स वाई दिस मार्किंग इज नेसेसरी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया लाइक वेयर द बिल्डिंग्स मस्ट बी प्लेस्ड। तो एक बार आप ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन आप बिठा दोगे ऊपर, उसके बाद तो आपको बॉटम का लेयर तो आपको दिखेगा ही नहीं। इसीलिए मार्किंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको कुछ आइडिया रहे कि कहाँ पे है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का हेड उसका फ्लैट होता है, ठीक है, और ज़्यादा एरिया भी कवर करता है। सो आई एम यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर टू स्क्रैच द बिल्डिंग एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट द लेंस आर ऑलमोस्ट इक्वल एज वेल। तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्रैचिंग जो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि उन लोगों का जो लेंथ है वो सेम रहे, ठीक, क्योंकि नीचे का रिफ्लेक्शन है। तो कुछ चीज़ें आपको ख्याल रख रख के करनी है थोड़ा सा, ठीक है। आप एकदम से कूद मत जाइए, थोड़ा सा टाइम लेके कीजिए, ठीक है। डोंट रश विथ दिस पेंटिंग, ओके, टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट, लाइक मेक श्योर लाइक ओके वेन आई एम गोइंग टू स्क्रैच इट आई फाइंड दैट एरिया, मेक श्योर दैट हैपन्स, ओके। नाउ सी आई एम क्रिएटिंग वन स्ट्रोक एट द टॉप ऑफ द डार्क लाइन, सी आई मार्क द लाइन एज वेल, एंड आई एम क्रिएटिंग अनादर इमेज ऑफ इट एट द बॉटम, बट बोथ द इमेजेस are not perfectly same. Since it's the reflection is on the water, so there will be some shakiness in the image formed on the water. Okay, so that's why I'm giving that shakiness effect. That's why I said that it has to be almost same but not absolutely same. तो देखिए मैं ऊपर जो भी बना रहा हूँ उसी का ही एक replica नीचे ज़रूर बना रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? तो क्योंकि ये वाटर के ऊपर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ऊपर मैं लाइन के ऊपर जो भी बनाऊंगा, देखिए लाइन मार्क किया हुआ है, तो उसके नीचे जो भी बनाऊंगा वो भी सेम ही होगा। लेकिन क्या होगा कि वाटर में तो वेव्स रहेंगे, इमेज जो है वो थोड़ा शेकी रहेगा, तो इसीलिए मैं देखिए जो लाइन्स जो है मैं थोड़े टेढ़े मेढ़े कर रहा हूँ। I'm using, I'm see the bottom image has crooked lines, like they are not absolutely straight. Just to give the effect that the reflection is on, is not on a still water, okay? तो ये इसलिए है कि ये समझाएगा कि नीचे का जो पानी है वो कोई स्थिर टाइप का पानी है नहीं, स्थिर पानी नहीं है, ठीक है। अभी उसके ऊपर जब भी रिफ्लेक्शन गिरेगा वो थोड़ा मतलब शेकी रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि मतलब ऊपर जो आप बनाओगे सेम चीज़ आपको नीचे भी बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होना है, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो विथ वेरी लाइट प्रेशर, सी आई हैव मेड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द बॉडी ऑफ द बिल्डिंग एंड नाउ आई एम गिविंग स्मॉल स्मॉल डॉट काइंड ऑफ अ थिंग टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ विंडो एंड आई एम डूइंग इट यूजिंग अ टूथपिक ओनली। तो देखिए मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिए हैं थोड़े से कुछ ऊपर की तरफ, है ना, और वहाँ पे मैंने प्रेशर बहुत ही लाइट रखा है, ठीक है। देखिए ब्लू और ब्लैक का वहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत थिक लेयर दिया हुआ है। हल्के हाथों से आप करोगे तो आपको सुंदर इफेक्ट मिलेगा, दबा के करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं टूथपिक से छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूँ,
जो कि खिड़कियों को दर्शाएंगे, ठीक है। सो द प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट है, लाइक विथ वेरिंग द प्रेशर यू कैन क्रिएट मल्टीपल थिंग्स। तो यहाँ पे चलिए एक और बिल्डिंग बना लेते हैं, सो लेट्स क्रिएट अनदर बिल्डिंग आउट हियर, लेट्स क्रिएट सम शेड और समथिंग डेकोरेटिव आउट हियर, कुछ डेकोरेटिव कुछ बना लेते हैं वहां पे। और एक चीज है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देने के बाद आपका एक मतलब फिनिशिंग के टाइम पे आप वर्टिकल स्ट्रोक्स भी जरूर दीजिए, ठीक है। वो अपने आप में एक बॉक्स क्रिएट करेगा, उसके ऊपर जब आप ब्लैक दोगे ना तो वो ऑटोमेटिक खिड़कियों का एक सुंदर सा इफेक्ट ले लेगा, ठीक है। वो भी आप देखोगे थोड़ी देर बाद। सो व्हेन यू गिव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ऑन द बिल्डिंग टू क्रिएट द बिल्डिंग और टू क्रिएट द यू नो द लाइनिंग फॉर द विंडोज ऑन द बिल्डिंग, मेक श्योर यू गिव सम वर्टिकल लाइंस एज वेल जस्ट बिफोर फिनिशिंग एवरीथिंग, ओके। सो व्हाट इट विल डू इज, ओके, जस्ट चेक आउट द टेक्निक आउट हियर। आई हैव टेकन लॉट ऑफ टूथपिक्स एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट मेकिंग श्योर दे आर इन द स्ट्रेट लाइन एंड देन आई जस्ट पेस्टेड अ मास्किंग टेप ऑन इट। तो देखिए मैंने बहुत सारे टूथपिक एक साथ लिए, उसको थोड़ा फ्लैट किया और मैंने उसके ऊपर क्या किया, मास्किंग टेप से उसको जोड़ दिया। अभी देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे पैटर्न बना सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सी नाउ आई एम एबल टू क्रिएट पैटर्न विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दिस विल एक्ट एज द ब्रश फॉर माय पेंटिंग इन दिस पेंटिंग। तो यही मेरा ब्रश हो गया, ये इस पेंटिंग के लिए यही ब्रश है, ठीक है। ओके, सो नाउ दैट आई एम डन विद द वाइडर सेक्शंस, आई एम क्रिएटिंग द थिनर सेक्शंस नाउ। तभी देखिए क्योंकि चौड़ा सेक्शन हो गया, अभी हम लोग जो पतला जो सेक्शन है वो वाला बना रहे हैं, ठीक है। चाकू से हम लोग क्या करेंगे, थोड़े मोटे स्ट्रोक्स देंगे ताकि इफेक्ट और भी निखर के आए, ठीक है। शेडिंग आपको दिखाना है, सो आई एम यूजिंग द नाइफ टू क्रिएट द शेडिंग्स ऑन द बिल्डिंग, ओके। Knife and this screwdriver, everything is for creating the shading on the building. Don't worry if it gets too white, okay? अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ब्लैक का लेयर आना बाकी है। So don't be scared, because there is still a layer of black to come, okay? And now see, I'm applying the वर्टिकल स्ट्रोक्स। तो अभी आप देखिए, अभी मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंग का डेकोरेशन कर देते हैं, लेट्स डेकोरेट द बिल्डिंग आउट हियर अ लिटिल। सो नाउ आई एम अप्लाइंग द वर्टिकल स्ट्रोक्स ऑन द बिल्डिंग, ओके, एंड नाउ यू विल सी द मैजिक। तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रोक्स तो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर जब मैं ब्लैक अप्लाई करूंगा तब आपको मैजिक दिखेगा। अभी शायद आपको बिल्डिंग्स उतने क्रिस्प नहीं लगेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो फिनिशिंग की तरफ जाएगा आपको ये और भी ज्यादा क्रिस्प लगने लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वो सेम चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टूथपिक से मैंने यहाँ पे वो झूला जो है बना लिया। सो द बिल्डिंग्स माइट नॉट लुक वेरी क्रिस्प राइट नाउ, बट एज यू मूव टूवर्ड्स द एंड इट लुक क्रिस्प, ओके। सो आई जस्ट क्रिएटेड द यू नो दिस व्हील विदाउट एनी न्यू टेक्निक और एनीथिंग। आई जस्ट यूज द टूथपिक आउट हियर
this I'm going to create a monument or statue, landmark kind of a thing or something like that. यहाँ पे वो थोड़ा स्कल्पचर जो है मैं वहाँ पे एक तो स्कल्पचर ऐड करता हूँ. अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक का जो लेयर है वो लेयर अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, ब्लैक का लेयर अप्लाई करते ही आप देखिए जो खिड़की जो जो लाइट पोर्शंस थी वो उभर के बाहर आ गई. सो सी एज सून एज आई अप्लाइड द ब्लैक द लाइटर पोर्शंस जस्ट ऑप्ट अप एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग सम मोर बिल्डिंग्स इन द डिस्टेंस यूजिंग ब्लैक. Now I'm going to create the lights on the horizontal line or the orange section. तो मैं यहाँ पे जो ऑरेंज सेक्शन जो है वहां पे मैं लाइट जो है वो बना दूंगा. अब ऑब्जर्व करते रहे, मैं बस छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ. ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ. So I'm not doing anything complicated out there. I'm actually just giving small strokes and nothing much. Okay. I'm just marking the building and now the bottom portion, like you know, replicating the bottom of the top portion whatever there is, it would be very tough, right? But actually it is very easy. Like you have to do nothing, it's the reflection. Just create the impression of the building and just create, give small strokes over it, like the water has the reflection of the water is making it distorted. Okay. तो अभी आप देखिए ऊपर जो मैंने बनाया वही चीज आपको नीचे बनाना है. तो अभी आपको देख के लग सकता है कि भाई कितना कठिन होगा ऊपर का पूरा नीचे यहाँ पे वापस बनाना. तो वापस आपको पूरा एग्जैक्टली बनाना है ही नहीं, वो तो वाटर के ऊपर रिफ्लेक्शन है ना. आपसे बिल्डिंग का इंप्रेशन बना दीजिए, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देखे बस के हाँ कि बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन है वही पे है और बाकी कुछ नहीं लगेगा. अब बस इम्प्रेशन क्रिएट कीजिए कि हाँ वहाँ पे एक बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन है, बाकी तो वो वाटर के ऊपर रिफ्लेक्शन है वो तो ऐसे ही मतलब डिस्टॉर्टेड ही होगा इमेज. सो सी आई हैव नाउ क्रिएटेड द इम्प्रेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड नाउ आई विल बी क्रिएटिंग द फायरवर्क्स. ओके, सो there is a very important thing that you guys must know about the fireworks. Always give the strokes from outside to inside, outside to inside. Okay, तो एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है fireworks बनाते वक्त कि आपके जो strokes है 90% strokes बाहर से लेके अंदर की तरफ आएंगे. ठीक है, मतलब अगर सेंटर में आप एक डॉट बनाओगे तो डॉट से बाहर स्ट्रोक्स नहीं देना है, बाहर से डॉट की तरफ स्ट्रोक्स देना है. सो इफ यू पुट अ डॉट द स्ट्रोक्स वोंट बी फ्रॉम द डॉट टू द आउटसाइड, इट विल बी फ्रॉम आउटसाइड टू द डॉट. ओके, नाउ व्हाई इज दिस, बिकॉज इन मोस्ट इन द फायरवर्क्स द प्रोजेक्टाइल दैट गो एट द टॉप एंड बर्स्ट यू नो दैट इज एट द top portion and that forms the outer portion. That's why if you make the strokes in from the inside to the outside, then it might not look like an actual firework. That's why keep the strokes from outside to inside.
तो देखिए अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि मतलब आपके स्ट्रोक्स हमेशा बाहर से इनसाइड की तरफ आएंगे, तो ऐसा इसलिए है कि देखिए जब भी आप कोई रॉकेट छोड़ते हो या फिर कोई भी फायरवर्क्स आपने देखे होंगे, तो क्या होता है कि जो रॉकेट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ होता है, तो वो ऊपर जाके जब फटेगा तो फटके तो वो बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो जब आप पेंटिंग करोगे तो मुंह का जो पोर्शन है जब वो वाला पोर्शन मोटा होगा और बाकी पीछे का आग का वाला जो पोर्शन होगा, तो इसलिए वो वाला क्या होगा कि हमेशा आपको बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक्स देना है। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक्स दोगे तो हो सकता है कि वो रियलिस्टिक ना लगे, ठीक है, रियलिस्टिक फायरवर्क्स ना लगे। अभी देखिए मैंने वहाँ पे रेड ग्रीन सब दिया था, तो मैंने ऊपर भी मार्किंग भी किया था। सी आई अप्लाइड द लाइट ब्लू रेड एंड ग्रीन ऑल आउट देयर, राइट, एंड आई मार्क द एरियाज एज वेल। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू नो वेयर आई हैव टू प्लेस द फायरवर्क्स। तो इसीलिए मुझे पता थी कि फायरवर्क्स मुझे कहाँ बिठानी है। तो देखिए पेंटिंग ऑलमोस्ट खत्म है, सो द पेंटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। तो दोस्तों वीडियो खत्म है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, गुड बाय।